सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम व्याकरण के अध्याय 8 एक और अनेक की पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसे व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं? वचन। तो सबसे पहले हम वचन की परिभाषा जानते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अब हम वचन के भेद के बारे में जानते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के प्रायः दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। अब हम एक वचन की परिभाषा जानते हैं कि एक वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे जूता, मेज, पुस्तक। अब हम बहुवचन के बारे में जानते हैं कि बहुवचन की परिभाषा क्या है। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे जूते, मेजें, पुस्तकें। तो बच्चों, अब आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। ध्यान रखने योग्य बातें। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक जी कक्षा में आएंगे। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई की मात्रा लगी होती है उनका बहुवचन बनाते समय वह न्या में बदल जाती है। जैसे नदी का हो जाएगा नदियां, रोटी रोटी का हो जाएगा रोटियां, दवाई दवाइयां आदि। पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा के स्थान पर ई की मात्रा जोड़कर बहुवचन शब्द बनाया जाता है। जैसे पौधा, इसका बहुवचन हो जाएगा पौधे। तबला, तबला का बहुवचन हो जाएगा तबले। पत्ता, पत्ता का बहुवचन हो जाएगा पत्ते आदि। तो बच्चों, आइए एक बार फिर से हम इसे दोहरा लेते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। अगला है, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए हमेशा बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ, आप उनके उत्तर लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द है एक और अनेक। पहला, अकेली वस्तु खाली स्थान कहलाती है। दूसरा, एक से अधिक वस्तुओं को खाली स्थान कहते हैं। आपको इसमें करना क्या है, जो सही शब्द होगा आपको खाली स्थानों में भरना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।